अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला एक बहुत ज़बरदस्त ग्लूटेन फ्री स्नैक्स सिखाने लगी हूँ, जिसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये चार दरमियाने साइज़ के, बल्कि छोटे छोटे साइज़ के चार आलू बॉईल करके रख लिए हैं। इसके अलावा एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च चाहिए, दो खाने के चम्मच चावल का आटा लिया हमने, और 1/4 कप जो है वो कॉर्नफ्लोर का लिया। अब हम अपना स्नैक्स बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। अभी मैं इन आलूओं को बहुत ही फाइन चॉप करना है, इसलिए मैं इस वाली स्टेनर से इनको निकाल लूंगी। अभी हम ये जो सारी चीज़ें हैं, कि मैंने इसको इसीलिए उस स्टेनर में से निकाला था ताकि ये बिल्कुल ही फाइन किस्म का ये बिल्कुल पेस्ट बन जाए। ये देखें, अभी हम इसमें सारा कुछ मिला देंगे। 2 चम्मच चावल का आटा मिला दिया, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसको अच्छे तरीके से, और ये ऐसी डो तैयार हो गई है। अभी आपको मैं एक दो टिप्स इसकी बता देती हूँ। इसके लिए आपको, जब भी आपने ये पोटैटो पिलोज बनाने हैं, आपने बिल्कुल ताज़े आलू बॉईल करने हैं, पहले के बॉईल किए हुए आलू आपने नहीं लेने, और ज़रा सॉफ्ट टेक्स्चर में आपने आलू बॉईल करने हैं। अब हम आपको आगे तरीका बताते हैं कि ये कैसे बनेंगे। ये देखें, आपने डो को अपने वर्किंग काउंटर के ऊपर ऐसे कोई भी मैट बिछा के, या आप वैसे ही अपना काउंटर यूज़ करते हैं तो वैसे ही आप इसका इस तरह से एक सिलेंडर बना लेंगे। फिर इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसको बिल्कुल पिलो की शेप दे देंगे। ये देखें, सारे पिलोज मैंने तैयार करके रख लिए हैं, और मैंने अपना ये कढ़ाई जो है वो दरमियानी आग पे रख दी है गर्म होने के लिए। अभी मैं इनको फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे तैयार होते हैं। बिल्कुल हल्के गर्म ऑयल में हम इनको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ये देखें, हमारे पोटैटो पिलोज फ्राई होके रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ये आप स्नैक्स में अपने बच्चों को बना के खिला सकते हैं। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं, ये अब आप अगर आप आवाज़ फील कर सकें, ये बड़े मज़ेदार हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।